हेलो एवरीवन, तो आप सबको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो गाइज, बहुत ही जल्द ही नवरात्रि स्टार्ट होने वाली है, तो मैं इसका फुल ट्यूटोरियल लेकर आ चुका हूं नवरात्रि का, कि नवरात्रि के फ़ोटो एडिटिंग कैसे कर सकते हैं। तो गाइज, तो आप सभी आप लोग भी नवरात्रि स्पेशल फ़ोटो को एडिट करना चाहते हैं, तो गाइज तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप सबको मेरे वीडियो को शुरू से लास्ट तक एंड करना होगा, तभी आप लोग कुछ नवरात्रि के फ़ोटो को अच्छे से एडिट करना सीख सकते हैं और इंस्टाग्राम फेसबुक पर अपलोड भी कर सकते हैं। तो गाइज, आप लोग इसे करना चाहते हैं तो आप लोग शुरू से लास्ट तक ऐसे बने, और अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइज तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले वो नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो गाइज, सब पहले हम लोग बैकग्राउंड को इरेज करना सीखेंगे, कि बैकग्राउंड को इरेज कैसे कर मतलब किया जा सकता है कुछ सेकेंडों में। तो गाइज, आपको जाना है क्रोम ब्राउजर और लिखना है बैकग्राउंड रिमूवर। तो गाइज, यहाँ देखते हैं, इसको ओपन ही करते सबसे जो ऊपर आएगा रिमूवर बैकग्राउंड, उस पर क्लिक करना है। तो कुछ इस टाइप का स्क्रीन दिखाएगा, यहाँ लिखा है अपलोडिंग इमेज, तो आपको इस पर क्लिक करना है। तो गाइज, इस पर जैसे अपलोड क्लिक करेंगे तो कुछ इस टाइप का गैलरी में ही भेज देगा, तो आपको जो भी बैकग्राउंड को अरेंज करना है आपको ले लेना है। तो कहीं जाइए, यहाँ देखते अपलोड ही करते कुछ सेकेंडों में ही बैकग्राउंड को अरेंज कर दिया है। तो कहीं जी, आपको डाउनलोडिंग दिया है, HD डाउनलोड दिया, तो HD डाउनलोड करना है तो आपको लॉग इन करना पड़ेगा। अगर वैसे आपको डाउनलोड करना है तो आप डाउनलोड पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कौन सा आपको डाउनलोड करना है। तो गाइज, हमें बैकग्राउंड को इरेज करना आपको बताया हूँ कि कैसे बैकग्राउंड को इरेज किया जाएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं अपने गैलरी में। गैलरी में जाने के बाद हम लोग जाएंगे यहाँ बैकग्राउंड को ले लेंगे, उसको शेयर कर लेंगे पिक्स आर्ट में। तो गाइज, यहाँ मैंने अपने पिक्स आर्ट में इसको ओपन कर लिया है। कुछ इस टाइप आपको आएगी स्क्रीन, यहाँ जाएंगे हम लोग एड फोटो में। जैसे गाइज, यहाँ हम लोग एड फोटो में जाएंगे, और यहाँ जाने के बाद हमको यहाँ अपनी पहले तो गर्ल PNG और जो भी अपनी अपनी फ़ोटो का PNG बना कर रखा है उसको ले लेंगे। तो गाइज, यहाँ भी मेरा खुद का PNG नहीं दिख रहा है, हम किसी का भी PNG मतलब आपको बताने के लिए ले लेता हूँ। हम चलता हूँ, यहाँ ज़्यादा दिख नहीं रहा है, कहीं और देखना पड़ेगा। इसको कट कर देते हैं, मिल नहीं रहा मतलब कोई भी PNG सब बॉय का हो। तो यहाँ चलते हैं, यहाँ देखो गाइस, हमें नीचे मिल गया, इसका ही ले लेते हैं। तो गाइस, इसको कैसे अच्छे से एडजस्ट करना आपको ध्यान देना है। गर्ल PNG को साइड करना है, पहले अपने फ़ोटो को अपने खुद को फ़ोटो को अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद अब गर्ल PNG को ले लेना है, उसको भी अच्छे से जूम कर लेना है। तो देख लेना आपको कैसा आपको किस साइड में अच्छा लग रहा है, उस साइड में आपको गर्ल PNG को एड करके अच्छे से एडजस्ट कर सकते हैं। तो गाइस, यहाँ हमें अच्छे से एडजस्ट हो गया। उसके बाद हम चलते हैं तिलक PNG लेते हैं, यहाँ ग्रास PNG दोनों को ले लेते हैं। पहले हम यहाँ ग्रास PNG को अच्छे से एडजस्ट करेंगे। तो गाइस, इसको देखना कोने साइड में अच्छे से एडजस्ट करना, उसने वैसे ही एडजस्ट करना है। सो तिलक PNG रह गया, इसको पहले साइड कर लेते हैं ग्रास PNG को। फिर हम लोग तिलक PNG को अच्छे से एडजस्ट करना एडजस्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग ग्रास PNG को अच्छे से एडजस्ट करेंगे। तो कैसे देख सकते हैं तिलक PNG को आपको जितना बड़ा छोटा जैसे रखना आप लोग यहाँ रख सकते हैं। तो यहाँ मैं रख लिया, फिर इसको डन कर दिया हूँ। उसके बाद मैं ग्रास PNG को ले लूँगा, उसको भी अच्छे से एडजस्ट कर लूँगा। तो यहाँ देख सकते मैं अच्छे से इसको एडजस्ट कर लिया हूँ, फिर इसको डन कर दूँगा। फिर हम लोग जाएंगे एड फोटो में, और जो PNG उसको भी एड करके अच्छे से फ़ोटो को बना लेंगे। त्रिशूल PNG है, तिरंगा PNG है, तिरंगा रेड हिंदू PNG सॉरी हिंदू झंडा जो होता है वो ले लेंगे, और यहाँ त्रिशूल जो है उसको भी ले लेंगे। इसको आपको अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। सो यहाँ देख सकते हैं अच्छे से हम लोग यहाँ फ़ोटो बनकर डन हो चुकी है। तो गाइस, सब कुछ अच्छे से हो गया है, हम देख सकते हैं। फिर जाएंगे टूल्स में, साइज आपको देखना, आपको साइज रखना है 2366। उसको जाएंगे ड्रो में जाने का, यहाँ देख सकते हैं भाई ऊपर नीचे करना है। उसके बाद इरेज लेकर थोड़ा कट मार लेना है, फ़ोटो में कहीं भी इसको कट कर देना है। तो हो चुका है इसको, फिर हम लोग मर्ज कर देंगे। मर्ज करने के बाद यहाँ इमेज सेव कर लेंगे। तो गाइस, यहाँ गैलरी में इसको सेव करने के बाद हम इसको अगला प्रोसेस हम लोग लाइट में चलेंगे, ताकि फ़ोटो और बढ़िया दिखे, वो बढ़िया बन सके। तो गाइस, यहाँ देख सकते फ़ोटो बढ़िया हो गया है। तो यहाँ एड पर जाएंगे, और हम लोग जो भी पिक्सआर्ट में फ़ोटो को मतलब सेव किए तो उसको ले लेंगे। और लेने के बाद यहाँ देख सकते हैं मेरी फ़ोटो आ चुकी है। तो गाइस, यहाँ देख सकते हैं बन चुके। हम लोग जाएंगे पहले एडिट में,
एडिट में जाने के बाद कुछ इस टाइप का स्क्रीन दिखेगा। तो गाइज लाइट ब्लैक वाइट सब कुछ अपनी फ़ोटो के हिसाब से आपको करना है। मैं अपनी फ़ोटो के हिसाब से कर रहा हूँ, तो आप लोग अपनी फ़ोटो के हिसाब से कर लीजिएगा, तभी फ़ोटो बढ़िया दिखेगा। तो देखा आप लोग, मैं 15, 34, 23 हाईलाइट को -22 रखा हूँ। तो आपको अपनी फ़ोटो के हिसाब से रखना है, तभी फ़ोटो बढ़िया बनता है। अब मेरी फ़ोटो के हिसाब से रखेंगे तो बढ़िया नहीं बनेगा, लाभ अपनी फ़ोटो के हिसाब से रखना पड़ता है। तो गाइस यहाँ देखते सब कुछ हो चुका है, डिटेल आप अमाउंट रेडियस मास्किंग जो भी आपको अच्छे से करना है सब कुछ आपको अपने हिसाब से ही करना है। नॉइज रेडियस डिटेल कॉन्ट्रास्ट सब कुछ ही, फिर मिक्स में जाएंगे कलर में देखेंगे। आपको यहाँ फेस को गोरा जितना करना है कर सकते हैं, मीडियम हाई जैसा आपको करना है कर सकते हैं, कुछ आपकी जैसा आपको रखना रख सकते हैं। येलो टोन ग्रीन टोन दिया है, सब कुछ अपने हिसाब से अपनी टोन के हिसाब से कर सकते हैं। तो पिंक के अंदर से पिंक ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इसको मतलब पिंक में थोड़ा कर लेता हूँ फ़ोटो को। यहाँ देख सकते फ़ोटो बड़ी बढ़िया पिंक में दिख रहा है। तो गाइज यहाँ मैं पिंक कर लिया, पिंक को मैं डन कर देता हूँ। फोटो मेरा बनकर रेडी चुके हैं, बहुत मस्त दिख रहा है। देखा गाइज आफ्टर बिफोर देख लिया आपने, बहुत बढ़िया ही अच्छे से एडिट हो गया है। तो गाइज इसको कैसे सेव करना है, कोने साइड में शेयर का बटन दिया होगा, सो हम लोग शेयर कर लेंगे, सेव कर लेंगे। तो सेव टू डिवाइस पर आपको सेव कर लेना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय, सी यू अगेन गाइज।